राजस्थान में पहले चरण में आज 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। जयपुर, जयपुर ग्रामीण सहित 12 ऐसी लोकसभा सीटें जहां पर वोटिंग जारी है। मैं इस वक्त जयपुर में हूं, जहां पर आप जो मतदान केंद्र है वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पहले जो अपना वोटर आई डी वो दिखा रहे हैं, यहाँ पर चेक करवा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं। आप देखेंगे अभी सुबह का समय है और अभी से जो है वो लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखी जा सकती है। लगातार जो है लोग आते जा रहे हैं, बुजुर्ग हो, युवा हो, तमाम वो लोग जो है वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही वोटर्स को किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, उसको लेकर जो प्रशासन ने तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। पुलिस का जो है भारी जाप्ता है यहाँ पर, वो यहाँ पर लगा दिया गया है। और कह सकते हो कि लोग जो है आ रहे हैं, कुछ लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, वोट डालने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वोट डाल दिए, बढ़िया है। और पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? किस तरह के मुद्दे आपके होने चाहिए, जयपुर में क्या समस्या है, कोई भी होने वाला सांसद किस तरह के मुद्दे आप देखते हैं? मुद्दे जैसे देखिए, जयपुर में अभी तो भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, अभी फिलहाल तो अभी उनका तो अभी कार्यकाल चालू हुआ है, तो अब जैसे समस्या जैसे स्कूल की है, इनकी जो है पढ़ाई लिखाई की इसकी देखिए अब क्या करते हैं वो। बाकी बहुत बढ़िया है यहाँ पर सरकार में, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। पहले सरकार थी उन्होंने भी काफ़ी अच्छे उन्होंने योजना चालू किए थे, अब इनकी योजना अभी देखिए चल लागू हो रहे हैं। तो सर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, वोट डाल के आ गए, क्या मुद्दे उम्मीद करते हैं? मेरा वोट जो है भ्रष्टाचार, महंगाई और इन सबके मद्देनज़र मैंने अपना वोट कास्ट किया है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का है। बेरोजगारी अपने उच्चतम उस पर है, पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है, इससे पहले इतनी बेरोजगारी नहीं हुई। पढ़े लिखे का प्रतिशत है 80% से ज़्यादा लोग जो है बेरोजगार हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, ये मुद्दे जो है बता रहे हैं। और ये सेल्फी पॉइंट आप देखेंगे, मेरे सहयोगी गोविंदा आपको सेल्फी पॉइंट आपको बता रहे हैं। जैसे ही लोग वोट डाल के आते हैं तो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट लेते हैं। सेल्फी पॉइंट इसलिए बनाया गया है ताकि लोग जो है जागरूक हो सके और एक दूसरे को मोटिवेट करें। जब सोशल मीडिया पर फोटो लगाएंगे तो इनको देख के जो है और भी ज़्यादा लोग आएंगे। और यही चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत यहाँ पर बढ़े, ताकि एक बेहतर जो है लोकतंत्र यहाँ पर बन सके। फिलहाल राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग जारी है, पूर्ण तरीके से ये वोटिंग है वो जारी है। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, न्यू इंडिया डेली लाइव, जयपुर।